लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे का फार्मूला करीब करीब तय हो चुका है। इस फार्मूले को लेकर जल्द एक और बैठक कांग्रेस की तरफ से होने जा रही है। अब इस बैठक को लेकर एक और अपडेट सामने आया है, क्या है पूरी खबर देखते हैं। ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में हुई बैठक में सीटों को लेकर सहमति बनाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई है। अब इसको लेकर एक और अपडेट सामने आया है। खबरों की माने तो कांग्रेस सीट शेयरिंग के मामले में बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए कांग्रेस ने 4 जनवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर विस्तार में चर्चा होगी। इस बैठक में पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी जैसे अहम राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। दरअसल इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग फार्मूले पर सहमति बनाना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही तैयारियां जोर पकड़ेंगी। इसके अलावा दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई बैठक में पीएम चेहरे को लेकर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पर्दा उठा ही दिया था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था। इसका समर्थन अरविंद केजरीवाल समेत 12 विपक्षी दलों ने किया था। हालांकि खड़गे ने कहा था कि गठबंधन की पहली प्राथमिकता लोकसभा चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद ही पीएम के चेहरे पर चर्चा की जाएगी। इधर 29 दिसंबर को उत्तर 24 परगना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता ने कहा था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया देश भर में बीजेपी से मुकाबला करेगा। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में इस लड़ाई का नेतृत्व उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अभी गठबंधन पर विचार नहीं कर रही है। इधर नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि उनका मकसद बीजेपी को 2024 में मात देना है। तो वहीं आज उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया का मकसद 2024 में जीतना और बीजेपी को हराना है। इंडिया की इस एकजुटता का ही असर है कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में टकराव है, जबकि इंडिया में घातक दल लगातार बीजेपी के बयानों का खंडन कर रहे हैं, जिससे साफ है कि इस वक्त इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।